सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर सनातनियों ने चंडीगढ़ के प्लाजा में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर मल्होत्रा से बात की तो उन्होंने कहा, नमक हरामी का इलाज तो दंडा ही है, इसलिए नमक हराम बांग्लादेश को दंडा मार कर सबक सिखाना होगा। तो सुनते हैं जतिंदर मल्होत्रा को। जो आक्रोश प्रदर्शन रैली है, इसका बांग्लादेश पर क्या असर होगा? बांग्लादेश पर असर डालने के लिए करना क्या चाहिए? आक्रोश प्रदर्शन निकाल करके क्या हम बॉर्डर पार कर सकते हैं क्या? देखिए, आक्रोश रैली का फर्क तो भारत सरकार पर भी पड़ेगा और वर्ल्ड में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मुझे नहीं लगता भी बुद्धिजीवी रोल कुछ प्ले करते हैं। अब ये बांग्लादेश में होता जो जा रहा है, कोई यूएनओ से या कोई कांग्रेस के नेता से या कोई इंटरनेशनल लेवल पे नेता से कोई बयान नहीं आया जिस तरीके से बयान आना चाहिए। पर डेफिनेटली जो सनातनीय हिंदुस्तान का वो ज़रूर जाग रहा है, पर जगह तो हम पिछले 400 सालों से रहे हैं, इनको कई टुकड़े हो गए हिंदुस्तान के जगाते जगाते। पर अब ना तो टाइम है ना इतना स्पेस है कि इसके और टुकड़े सनातनी बर्दाश्त कर सके। इसके लिए तो फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे वो टाइम की कुर्बानी हो या अपनी कुर्बानी हो, इसके लिए तो देनी पड़ेगी। तो जैसे आपने यूएनओ की बात करी, इसमें बड़े बड़े देश अमेरिका जैसे बांग्लादेश में जो हो रहा है वहाँ से भी कुछ ना कुछ हैंडल हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में यूएनओ से क्या हम उम्मीद करें कि यूएनओ हमें साथ दे? जब भारत इस वक्त विश्व स्तर पे जो तरक्की कर रहा है और जो पोजीशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दुनिया में बन चुकी है, तो लोग इसको देखना पसंद नहीं करते और इसको देखना नहीं चाहते। तो पूरा वर्ल्ड इस वक्त या तो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब कर रहा है या हिंदुओं को डिस्टर्ब कर रहा है। उनको मालूम है अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गए द्वारत भारत सनातन ऊपर बढ़ गया तो फिर दुनिया के अंदर और कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि सनातन से ही दुनिया ये शुरू हुई थी और सनातन ही इसका सब्स्टिट्यूट है, इसके अलावा है नहीं। इस नमक हराम बांग्लादेश का इलाज क्या है फिलहाल? इस नमक हराम बांग्लादेश का इलाज और यहाँ पे जो नमक हराम बांग्लादेशी रह रहे हैं उनका इलाज तो डंडा ही है और तो कुछ नहीं है। डंडा ही है, यानी कि डंडा चलाने पर ही इलाज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।